हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ। विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी पे एक और सेशन। अप्रॉक्सीमेटली 30 नए वर्ड्स आप लोग सीखेंगे, कंटेक्चुअली सीखेंगे, तो आप रिटेन भी कर पाएंगे उन वर्ड्स को जो भी आपको पढ़ाया जाएगा। वोकैबुलरी उतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोचते हैं। ट्राई टू नोट डाउन आप जो भी पढ़ाया जा रहा है, टेक डाउन द नोट्स, सारे की सारी चीज़ें लिखिए, वर्ड्स को रिवाइज करिए, आप उनको रिटेन कर पाएंगे आई एम श्योर। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालें बच्चों आपके लिए एग्ज़ाम रेलेवेंट होगा पक्का से। वोकैबुलरी कभी भी एग्ज़ाम स्पेसिफिक नहीं होती है। जो भी कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स आप लोग देने जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंपेरेटिव एग्ज़ाम हो, चिंता मत करिए, वोकैबुलरी ज़रूर हेल्प करेगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 30 न्यू वर्ड्स वी आर स्टार्टिंग जस्ट नाउ। उससे पहले स्टे फोकस्ड, एक एक वर्ड याद करने की कोशिश करिएगा। That's the only support I expect from you. Okay, we are starting now. The article is from Hindustan Times. It says, fleeing man jumps to death in 20 CR Chhatarpur drug bust. पहले सुन लीजिए बात क्या चल रही है। बात ये चल रही है बच्चों कि fleeing man, देखिए जो flee कर रहा है, भाग रहा है। First word flee है, flee means to run. Flee, fly से बच्चे अपने आप बना लेते हैं और समझ जाते हैं कि क्या मतलब है। पढ़ने से वैसे बहुत पता चलता है। फ्ली मीन्स टू रन, फ्लीइंग का मतलब क्या था, रनिंग है। तो हमने कहा कोई आदमी है जो अवॉइड कर रहा है, जो एब्सकॉन्ड कर रहा है, जो एस्केप कर रहा है। एक्चुअल में अगर मैं वन वर्ड बताऊं तो मैं रन बता देती हूं कि रन है, एब्सकॉन्ड है। एब्सकॉन्ड बढ़िया वर्ड है, हिंदी में कहते हैं जो भाग रहा है, ये ओ है, एब्सकॉन्ड है, एब्सकॉन्ड। और फिर उसके बाद मैंने कहा बच्चों एस्केप है। अच्छा, अब पूरा मतलब जानते हैं। कहता है रन अवे फ्रॉम अ प्लेस और सिचुएशन ऑफ डेंजर, दैट्स इम्पॉर्टेंट। सीधा रन नहीं है, सिर्फ रन नहीं है, कह रहा है कोई डेंजर से भाग रहा है, कोई डेंजर वाली सिचुएशन से भाग रहा है, कोई ऐसे डेंजरस प्लेस से भाग रहा है। सो दिस मैन इज रनिंग अवे। अभी अपने आप को बचा रहा है, एब्सकॉन्ड कर रहा है, एस्केप कर रहा है। ABSCOND लिखा है मैंने, माइंड इट। मैंने कहा ये आदमी भाग रहा है, जंप्स टू डेथ, इसने कहीं से जंप करा और ये मर गया है। देख लीजिए ये इंसान मर गया है, ही डाइड एक्चुअली 20 CR का ड्रग बस्ट। तो ये जो ड्रग केस था उसे ब्रेक कर लिया है, उसे बस्ट कर लिया है, उसे ब्रेक कर लिया है, उसे बस्ट कर लिया है। ऑब्वियसली बात है, अगर हम बात कर रहे हैं तो पुलिस ने किया होगा, तो पुलिस ने बस्ट किया है, ब्रेक किया है छतरपुर ड्रग केस को। अब बात क्या चल रही थी ज़रा देखिए, कोई भाग रहा है उसकी बात चल रही है, ऑब्वियसली बात है जिसको पकड़ने के लिए पुलिस गई होगी उसकी बात चल रही होगी। दैट पर्सन जम्प्ड ऑफ और दैट मैन डाइड बेसिकली। छतरपुर की बात चल रही है, छतरपुर दिल्ली की बात चल रही है, और 20 CR की जो बात चल रही है ड्रग्स का आपको वैल्यू बताया जा रहा होगा। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। न्यू दिल्ली, अ नाइजीरियन मैन फेल फ्रॉम द 4th floor ऑफ अ साउथ दिल्ली बिल्डिंग ऑन फ्राइडे आफ्टरनून एंड डाइड अपेरेंटली। पहला वर्ड मिल गया है, अपेरेंटली कह रहा है, अपेरेंटली लिखिए समथिंग अपेरेंट दैट इज क्लियर, दैट इज एविडेंट। अपेरेंट का मतलब होता है एविडेंट, अपेरेंट का मतलब होता है क्लियर, अपेरेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, अपेरेंट का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। देखिए जो चीज़ अपेरेंट है दैट इज़ क्लियर टू ऑल। ये मैंने सी लिखा है, ई मत समझ लीजिएगा। एविडेंट, ऑब्वियस, क्लियर, एविडेंट, ऑब्वियस, क्लियर। कॉन्स्पिकुअस भी कहा जा सकता है इसे, कॉन्स्पिकुअस भी कहा जा सकता है। समथिंग ऑब्वियस, समथिंग ओवर्ट, समथिंग ऑब्वियस, समथिंग ओवर्ट, समथिंग अपेरेंट। हमने कहा कुछ अपेरेंट है तो वो क्लियर है। इन शॉर्ट वी आर ट्राइंग टू से दैट दैट मैन जम्प्ड ऑफ। आप पढ़ के मीनिंग पता लगा पा रहे हैं। कोई नाइजीरियन मैन है जो 4th floor से जंप कर रहा है, मतलब वो गिर गया बेसिकली। ये साउथ दिल्ली बिल्डिंग की बात हो रही है, फ्राइडे आफ्टरनून की बात हो रही है, और वो इंसान मर गया, डाइड, दैट पर्सन डाइड। Apparently trying to evade arrest, evade क्या कर रहा था वो, arrest evade कर रहा था। तो evade क्या कर रहा था, that means avoid कर रहा था, escape, elude या फिर dodge करना। evade का मतलब क्या होता है, avoid करना। किस चीज़ से बच के भाग रहा था वो, arrest से बच के भाग रहा था। evade करना,
एलूड करना, माइंड द स्पेलिंग्स. यहाँ पर बच्चे ए डबल एल यू डी ई वाला एलूड बना देते हैं, दैट्स नॉट दैट एलूड. इस एलूड का मतलब अवॉइड करना होता है. एलूड करना, अवॉइड करना, इसके अलावा डॉज करना. तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं वर्ड्स ध्यान रखिए, एविडेंट बोल रही हूँ, कॉन्स्पिकुअस अच्छा वर्ड था, एलूड अच्छा वर्ड है, डॉज यू शुड नो. डॉज तो बहुत छोटी क्लासेस में स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता है. अपेरेंटली ट्राइंग टू इवेड अरेस्ट, किस चीज़ से बचना चाह रहा था, किस चीज़ को अवॉइड कर रहा था, अरेस्ट. आफ्टर अ पुलिस टीम रेडेड द हाउस फॉर नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स के लिए पुलिस टीम ने रेड किया और उसको, उस अरेस्ट को इवेड करने के लिए उसने क्या किया, उसने जंप किया. एंड दैट मैन जंप्ड एंड ही फेल ऑफ. अब वो जंप करने के बाद गिर गया एंड दैट मैन डाइड. पुलिस सेड 25 किलोज ऑफ कीटामाइन, अ ड्रग बिलीव टू इंड्यूस अ ट्रांस इफेक्ट, वर फाउंड ड्यूरिंग अ सर्च. पहला वर्ड इंड्यूस, दूसरा वर्ड ट्रांस. देखिए जब बात करते हैं इंड्यूस की, तो इंड्यूस का मतलब होता है ब्रिंग अबाउट और गिव राइज टू, ब्रिंग अबाउट और गिव राइज टू. अगर आप सिर्फ इंड्यूस का मीनिंग लिखें तो पहले लिख लीजिए ब्रिंग, या फिर आपको बताया था ब्रिंग अबाउट के साथ लिखिए गिव राइज टू. कोई चीज़ बढ़ रही है, किसी चीज़ को बढ़ाया जा रहा है, बिलीव टू इंड्यूस. कोई चीज़ बढ़ रही है, किसी चीज़ को बढ़ाया जा रहा है, किसको बढ़ाया जाएगा. ड्रग की बात चल रही थी, ड्रग से कुछ बढ़ेगा, कोई ऐसी चीज़, कीटामाइन की बात हो रही है, 25 किलोज कीटामाइन. पुलिस ने ये बताया है कि वो कैसा इफेक्ट ला सकती है, ड्रग की बात हो रही है, वो ड्रग इंड्यूस कर सकती है, वो ब्रिंग करेगी, लाएगी ऐसा इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट. ट्रांस इफेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, ट्रांस इफेक्ट अ हाफ कॉन्शियस स्टेट, अ हाफ कॉन्शियस स्टेट. आसान लैंग्वेज में ऐसा कहते हैं, देखिए हाफ कॉन्शियस स्टेट जो या तो किसी चीज़, किसी एक्सटर्नल मीडियम के थ्रू आएगी, दैट इज़ ट्रांस इफेक्ट. ट्रांस का मतलब लिखिए पहले, ट्रांस का मतलब मैंने आपको बताया हाफ कॉन्शियस स्टेट. पहले आप लिखिए ट्रांस का मतलब क्या होता है, हाफ कॉन्शियस स्टेट. आई रिपीट इट ऑफन ताकि आपके दिमाग में बैठे, हाफ कॉन्शियस स्टेट. अब मैंने आपको पूरा मतलब क्या बताया, ड्यू टू सम एक्सटर्नल मीडियम, कोई एक्सटर्नल चीज़ होगी जिस वजह से ट्रांस इफेक्ट आएगा. ट्रांस एक्चुअल में हिंदी में समाधि कहा जाता है, मतलब समाधि जैसा, जिसके अंदर इंसान कैसा रहता है. इंसान देखिए ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ हिप्नोसिस किया जाए, हिप्नोसिस किया जाए तो भी ट्रांस इफेक्ट आता है. एक्सटर्नल कोई भी चीज़ है जिसको देने से या करने से ट्रांस इफेक्ट आ जाए, ट्रांस इफेक्ट में इंसान पूरे तरीके से जागता हुआ नहीं होता है, हाफ कॉन्शियस स्टेट में रहता है. तो अब बात क्या चल रही है, बात ये चल रही थी जिस ड्रग को पुलिस रेफर कर रही है वो कह रही है वो ट्रांस इफेक्ट इंड्यूस करती है. वर फाउंड ड्यूरिंग अ सर्च द कॉन्ट्राबैंड कुड फेच ₹20 crore इन द क्लैंडेस्टीन इंटरनेशनल ड्रग मार्केट. पहले लिखिए, नेक्स्ट वर्ड आपको मिल चुका है, द फर्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्राबैंड, द अदर वर्ड इज क्लैंडेस्टीन. कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या है बच्चों, कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है गुड्स दैट हैव बीन इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड इलीगली. कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या है, मैं देखिए शॉर्ट में लिखूंगी, मैं इतना लंबा नहीं लिख सकती हूँ बच्चों. मैंने कहा कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या है, ये ट्रांस का एरो आ रहा है, डोंट गेट कन्फ्यूज, क्योंकि आप क्लिक करते हैं, वो जो बच्चे लिखते हैं मैम हम बाद में तो क्लिक करते हैं सिर्फ, वट एवर यू टीच सो दैट वो दिमाग में रह जाए, वो सेव रह जाए एज अ पिक्चर, सेव्ड रह जाए एज अ पिक्चर. तो कॉन्ट्राबैंड का मतलब मैंने आपको बताया है गुड्स है, लेकिन ये कोई नॉर्मल गुड्स तो है नहीं, हमने कहा ये इलीगली इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट किए गए थे. सो गुड्स दैट हैव बीन इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड इलीगली, दैट इज़ कॉन्ट्राबैंड. अब वो तो कॉन्ट्राबैंड किस चीज़ का हुआ होगा, वी ऑल नो दैट आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल. ड्रग्स की बात हो रही थी, ड्रग्स का कॉन्ट्राबैंड हो रहा है, ड्रग्स को क्या किया जा रहा है, इलीगली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात चल रही है. तो ये कितने, मतलब आपको एक्चुअल में बताया जा रहा है. देखिए फेच का मतलब ब्रिंग होता है, फेच बहुत ज़्यादा कोई
अच्छा वर्ड नहीं था, ठीक ठाक सही है. एवरीबडी नोज द मीनिंग ऑफ फेच, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर. सो फेच तो ब्रिंग होता है. तो ये कितने का है आपको बताया जा रहा है, ये जो कॉन्ट्राबैंड है, जो चीज़ें जो ड्रग्स की बात हो रही है, तो ये 20 CR का है. क्लैंडेस्टीन इंटरनेशनल ड्रग मार्केट, आपको ये इंटरनेशनल ड्रग मार्केट में, कैसी इंटरनेशनल ड्रग मार्केट? अब सीधी बात है ना बच्चों, ड्रग मार्केट है तो वो ड्रग मार्केट तो छुपी हुई ही होगी ना. नॉट एवरीबडी इज़ फेमिलियर विद दैट ड्रग मार्केट, हर किसी को नहीं पता होगा कि ड्रग मार्केट. तो क्लैंडेस्टीन इंटरनेशनल ड्रग मार्केट में वैल्यू आपको बताई जा रही थी, 20 CR है. तो क्लैंडेस्टीन होता है हिडन. पहले मीनिंग लिखिए फिर सिमिलर वर्ड्स लिखिए. क्लैंडेस्टीन का मतलब क्या है बच्चों? हिडन. पहले मेरी बात सुनिए, आपको कवर का मतलब पता है, कवर का मतलब हिडन होता है. जब मैं कोवर्ट वर्ड लिखती हूँ तो डरिए मत, कोवर्ट के अंदर कवर आता है, कवर का मतलब हिडन होता है. सो कोवर्ट मीन्स हिडन, कोवर्ट में कवर आता है ना, दैट इज़ वाई कोवर्ट मीन्स हिडन. रीड इट लाइक दैट, ट्राई टू कीप दिस इन माइंड. कोवर्ट कवर, इसीलिए हिडन. कवर्ड चीज़ें तो हिडन होती है ना, कवर्ड चीज़ें छुपी हुई होती हैं, इसीलिए कोवर्ट का मतलब क्या था? हिडन था. तो हिडन है, सीक्रेट है. अब वर्ड्स लिखिए, फर्टिव है. देखिए ज़्यादातर लोग उसे क्लैंडेस्टाइन पढ़ते हैं, बट राइट प्रोनंसिएशन यही है, क्लैंडेस्टीन है. फर्टिव है बच्चों, सरेप्टीशियस है. सरेप्टीशियस है, आई एम राइटिंग इट हियर. तो क्लैंडेस्टीन, फर्टिव, कोवर्ट, सरेप्टीशियस, छुपे हुए. अब ड्रग मार्केट है ना, आपको दिमाग में क्या रखना है सुन लीजिए. फ्लीइंग मैन था तो भाग रहा था, ऑब्वियसली बात है, पुलिस से भाग रहा होगा, बस्ट किया, ब्रेक कर लिया. अपेरेंटली कह रहे हैं कि इवेड कर रहा होगा, किसको? अरेस्ट को, पुलिस को. सो अपेरेंट का मतलब क्लियर है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना हर बात पे, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, दैट इज अपेरेंटली, अपेरेंटली, ऑब्वियसली. सो दैट मीन्स एवरीबडी नोज दैट, ऑब्वियसली यू शुड नो दैट. सो ऑब्वियसली अपेरेंटली, इवेड करना, अवॉइड करना, इंड्यूस करेगा तो लाएगा कोई चीज़, किसी चीज़ को राइज देगा, ट्रांस इफेक्ट लाएगा, दैट मीन्स हाफ कॉन्शियस स्टेट बना देगा. ड्रग की बात हो रही थी, ड्रग ट्रांस इफेक्ट ला रही थी. कॉन्ट्राबैंड होता है तो गुड्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इलीगल तरीके से होता है. ये तरीका क्लैंडेस्टीन है. क्लैंडेस्टीन का मतलब छुपा हुआ है. छुपा हुआ तरीका कोवर्ट है, क्योंकि अगर ड्रग मार्केट है तो ड्रग मार्केट इंटरनेशनल ड्रग मार्केट है. क्लैंडेस्टीन वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा था, तो ड्रग मार्केट के साथ क्लैंडेस्टीन वर्ड इस्तेमाल करना बिल्कुल सही था, एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड. रीज़न ही यही है क्योंकि ऐसी चीज़ें ड्रग मार्केट जैसी ये कैसी होंगी, ऑब्वियसली बात है क्लैंडेस्टीन होंगी. तो कोवर्ट था, सरेप्टीशियस था. आगे बढ़ता है, पुलिस सेड इंक्वेस्ट, बढ़िया वर्ड एंड यू कैन रिलेट इट वेरी इजीली. इंक्वेस्ट में INQ आता है, इंक्वेस्ट में INQ आता है, इसीलिए इंक्वेस्ट को आप अब इंक्वायरी बना देंगे. ये देख लीजिए, मैंने ENQ नहीं बोला है, आपको पढ़ाया गया होगा स्कूल में भी कि INQ वाली जो इंक्वायरी होती है वो लीगल मैटर्स वाली होती है. तो इंक्वायरी, कोई जुडिशियल इंक्वायरी टू एसर्टेन द फैक्ट्स रिलेटिंग टू एन इंसिडेंट, किसी इंसिडेंट से रिलेटिंग कोई भी जो भी फैक्ट्स हैं उसको पूछा जा रहा है आपसे, कोई जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, तो दैट इज इंक्वायरी. INQ आई एम एम्फसाइजिंग इट, INQ इंक्वायरी. पुलिस सेड इंक्वेस्ट इंक्वायरी, इंक्वेस्ट इंक्वायरी. प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड फॉर 40-year-old साइप्रियन एमा ओगबोनिया, अ नेटिव ऑफ नाइजीरिया, दो नो FIR वॉज रजिस्टर्ड ओवर हिज डेथ. उसकी डेथ पे कोई FIR रजिस्टर हुआ नहीं. नाम बताया जा रहा है कि वो 40-year-old था. द मैन हु डाइड, द वन हु वॉज ट्राइंग टू रन अवे, एक्चुअली उनका नाम बताया जा रहा है, साइप्रियन एमा ओगबोनिया. कहाँ से बिलोंग करता था वो? नाइजीरिया से. कह रहा है ओगबोनिया फेल टू हिज डेथ इन फेज वन ऑफ छतरपुर इंक्लेव अराउंड 12:15, दैट मीन्स 12:15 PM. अब 12:15 PM पे फेज वन में बताया जा रहा है कि वो गिर गया और उसकी डेथ हो गई. आपको बताया जा रहा है एग्जैक्टली कहाँ पर हुआ है ये ट्रेजेडी. द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ डेली पुलिस स्पेशल सेल प्रमोद खुशवाहा said a team was sent to neighborhood following a tip off that drugs were stored. Another word for you, tip off. Tip off. अब बच्चे यहाँ पर tip off का मतलब बहुत सारा कुछ निकालते हैं, tip वाला. तो वही चीज़ है कि आपको clue मिला, आपको information मिला. Tip मिला, आपको information मिला. तो
इंफॉर्मेशन मिला है पुलिस को, टिप ऑफ, दैट इज टिप ऑफ, ड्रग्स वर स्टोर्ड मिले थे एंड पेडल फ्रॉम अ बिल्डिंग. अब देखिए, पहले तो पेडल का मतलब आपको पता होना चाहिए, पेडल के लिए आपको वर्ड्स भी पता होने चाहिए, लाइक व्हाट आर द सिमिलर वर्ड्स फॉर द वर्ड पेडल. पेडल सेल होता है, जैसे हम ड्रग पेडलर्स बोलते हैं, जैसे बच्चों हम ड्रग पेडलर्स बोलते हैं, तो वही आपको बता रही हूँ. ड्रग पेडलर्स तो ड्रग्स को क्या कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, तो ड्रग पेडलर्स पेडल सेल करना. अब अगर आपको पता हो, वेंडर बोलते हो आप लोग, वेंडर बोलते हो, दैट ही इज द वेंडर, वेंडर इज द पर्सन हु सेल्स, दैट मीन्स वेंड, वेंड करना, सेल करना. इसके अलावा अगर आप चाहेंगे, यू कैन राइट डाउन द वर्ड टाउट इज वेल. हम कह रहे हैं पेडल करना, दैट मीन्स सेल करना, वेंड करना, टाउट करना. टिप ऑफ का मतलब इन्फॉर्मेशन था. अभी सुन लीजिए, दोबारा बोलते हैं बात. पुलिस को क्लू मिला था, क्या ड्रग्स स्टोर किए गए थे, वहाँ से सेल किए जा रहे थे, फ्रॉम अ बिल्डिंग, फ्रॉम अ बिल्डिंग जहाँ पर वो इंसान रहता था. अ हेड कॉन्स्टेबल वॉज सेंट एज अ डिकॉय कस्टमर ड्यूरिंग द रेड. तो एक कॉन्स्टेबल को भेजा है, हेड कॉन्स्टेबल को भेजा है डिकॉय कस्टमर बना के ड्यूरिंग द रेड. अब डिकॉय कस्टमर तो आपको पता होना चाहिए. देखिए, डिकॉय कस्टमर बनाया है तो एंटाइस किया जा रहा है एक आदमी को, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है, उसे कुछ ऐसे अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए जा रहे हैं कि जिससे वो ट्रैप में फंस जाए. तो पहले अगर आपको डिकॉय का मतलब लिखना है तो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस बाकी है, मैं लिख देती हूँ. देखिए, कह रहे हैं हम लोग किसी को एंटाइस कर रहे हैं, ल्योर कर रहे हैं. डिकॉय का एक मीनिंग ये है, लेकिन मैं पूरा मतलब आपको बता रही हूँ. एंटाइस अ पर्सन अवे स्पेशली इंटू अ ट्रैप, एंटाइस अ पर्सन अवे स्पेशली इंटू अ ट्रैप. अब आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक्चुअल में एक ट्रैप में फंसाने के लिए, वो डिकॉय होता है. हेड कॉन्स्टेबल को भेजा गया है डिकॉय कस्टमर की तरह, जो क्या करेगा, जो कॉन्स्टेबल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कुछ ऐसा ऑफर देगा जिससे वो उसे ड्रग्स बेचेगा. सीधी सी बात है, बिकॉज ही वॉज अ ड्रग पेडलर. ओगबोनिया, हु वॉज विद टू वेमेन फ्रॉम हिज कंट्री, वॉज एलिजिडली talking to the staff of a local restaurant when he sensed that police were heading for his room. सुन लीजिए, ओगबोनिया द मैन हु डाइड, उसकी बात हो रही है. दो और फीमेल्स भी थी उसके साथ. यही बताया जा रहा है कि वो उसकी कंट्री की थी. एलिज करना, एलिगेशन लगाना, इसको मैं मार्क नहीं करूँगी, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ. एलिज एलिगेशन से बना है. एलिगेशन का मतलब इल्ज़ाम लगाना है. स्टाफ से बात कर रहा है ओगबोनिया किसी लोकल रेस्टोरेंट के. अब उसको पता चल गया, देख लीजिए, कि पुलिस आ रही है उसके रूम की तरफ. ही मस्ट हैव बीन टेकन बाय सरप्राइज, ही मस्ट हैव बीन टेकन बाय सरप्राइज, देयर वाज नो एस्केप रूट. अब भागने का तो कोई रास्ता था ही नहीं. सो ही जंप्ड ऑफ अ विंडो विदाउट ग्रिल्स. अब उस विंडो में देखिए ग्रिल्स है नहीं, एंड ही जंप्ड ऑफ, सेड एन इन्वेस्टिगेटर. इन द पास्ट टू नाइजीरियन drug dealers in the city have jumped off buildings to flee, he added. वो तो example भी दे रहे हैं, investigator example दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ है कि जो Nigerian drug dealers थे, drug peddlers थे city में, उन्होंने भी jump off किया, building से jump किया भागने के लिए, he added. That investigator added. A woman with Ogbonia tried to jump after him but police stopped her. ओगबोनिया के साथ जो एक फीमेल थी, जो वुमन थी, उसने भी ट्राई किया जंप करने का, बट उसे सीधी बात है पुलिस ने रोक लिया. द टू वुमेन वर अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ ड्रग पेडलिंग. पेडलिंग वर्ड इज देयर अगैन. तो ड्रग बेच रहे थे, ड्रग पेडल कर रहे थे, इसीलिए उन वुमेन को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया. नेक्स्ट वर्ड वी फाउंड द वर्ड द फेटल जंप. फेटल, फेटल डेडली है. फेटल क्या है, डेडली है, लीथल है, कॉजिंग डेथ है. वर्ड लीथल लिख देती हूँ, बाकी आप लिखिए. मैंने कहा फेटल है तो लीथल है, डेडली है, या फिर जिससे डेथ होगा, कॉजिंग डेथ, वेरी डेंजरस सॉर्ट ऑफ. सो द फेटल जंप वॉज कैप्चर्ड बाय अ सीसीटीवी कैमरा. अब किसने जंप किया, वो ओगबोनिया जिसकी बात हम कर रहे थे, नाइजीरियन, तो वो उसने जंप किया, सीसीटीवी कैमरा ने उसे कैप्चर कर लिया. एंड विटनेस बाय लोकल सेड दीपेंद्र पाठक द पुलिस स्पोक्स पर्सन. He also clarified that the police team had no hand in man's death.
अब पुलिस के स्पोक्सपर्सन हैं जिनका नाम दीपेंद्र पाठक है, उन्होंने कहा सीसीटीवी कैमरा ने इसे कैप्चर किया है और इसमें पुलिस का टीम का कोई हाथ नहीं है उस आदमी की डेथ में, बिकॉज ऑब्वियसली बात है उसने खुद ही जंप कर लिया बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द अरेस्ट. आई विटनेसेस रीअफर्म्ड द पुलिस वर्जन. रीअफर्म्ड करना, पुलिस का जो भी वर्जन था, जो भी उनका टेक था उस बात पे, उस आई विटनेसेस ने उन्हें क्या किया, उन्हें रीअफर्म किया. रीअफर्म करना, पहले अफर्म कर रहे थे तो कोई बात को स्टेट कर रहे थे, कोई बात को प्रेजेंट कर रहे थे, बट हमने कहा स्टेट री है ना, री 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 का मतलब तो यहाँ पर रिपीट होता है मेजरली, अब हर बार नहीं होता है, मैं कह रही हूँ री का मतलब ज़्यादातर रिप्लाई में री अगेन है, रिवर्ट में री अगेन है, तो हमने कहा स्टेट अगेन स्ट्रांगली, किसी बात को स्ट्रांगली कहना, किसी बात को स्ट्रांगली कहना, दैट इज रीअफर्म्ड. तो आई विटनेसेस जो हैं वो भी पुलिस के वर्जन को क्या कर रहे हैं, स्ट्रांगली बता रहे हैं, दोबारा से आपको कन्फर्म कर रहे हैं एक्चुअल में. तो आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो कन्फर्म द वैलिडिटी ऑफ. अच्छा, अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप रीअफर्म्ड पढ़ रहे हैं तो उसको आप समझ लीजिए कि दोबारा से कन्फर्म करना. अफर्म कन्फर्म तो जोड़ लेंगे, affirm confirm तो जोड़ लेंगे. सो कन्फर्म द वैलिडिटी ऑफ, कन्फर्म द वैलिडिटी ऑफ किसी चीज़ की वेरासिटी, किसी चीज़ की, किसी चीज़ का सच्चा होना, उसकी सच्चाई को कन्फर्म करना. ये आई विटनेसेस कर रहे हैं, रीअफर्म कर रहे हैं. वो स्टैंडिंग आउटसाइड माई बिल्डिंग, आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड माई बिल्डिंग वेन आई नोटिस द मैन जम्प ऑफ द बिल्डिंग द विंडो. ही वॉज वियरिंग अ हेलमेट बट मिड वे ही हिट एन एयर कंडीशनर एंड हिज हेलमेट केम ऑफ, सेड सुरेश अ रेजिडेंट ऑफ द एरिया. तो ये आई विटनेस हैं, सुरेश उसी एरिया के रेजिडेंट हैं, आपको बता रहे हैं बेसिकली कि हुआ क्या. बहुत ईजी सी लैंग्वेज है, हम तो सिर्फ वर्ड्स पकड़ रहे हैं बेसिकली. कह रहे हैं कि वो स्टैंडिंग आउटसाइड द बिल्डिंग, फिर उन्होंने एक आदमी को देखा जो जंप ऑफ कर रहा था विंडो से, उसने हेलमेट पहना था बट मिड वे उसने क्या हुआ, वो एयर कंडीशनर को हिट कर गया तो हेलमेट बाहर निकल गया. ही देन लैंडेड ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर आ गया. हिज राइट हैंड वॉज फ्रैक्चर्ड एंड ही वॉज मटरिंग समथिंग. Muttering something, I could not understand. वो कुछ कुछ mutter कर रहा था. What does it mean? देखिए पढ़ के वैसे sentence में समझ में आ जाएगा. Mutter करना, whisper करना, जिसे कहा जाता है हम लोग whisper करते हैं, murmur करते रहते हैं, बहुत धीरे धीरे बोल के फुसफुस आ रहे होते हैं. हिंदी में थोड़ा अजीब सा ही word है but ठीक है, आपको ऐसे शायद याद हो जाएगा. The better word is mumble करना, अच्छा वर्ड है याद रखिए. हम कह रहे हैं विस्पर करना, म करना. देखिए मटर है वो, मटर मटरिंग, तो इंसान गिरा है, लग गई है, फ्रैक्चर्ड हो गया है वो, मतलब उसका हैंड, राइट हैंड. और मर्मर कर रहा है, मटर कर रहा है, मम्बल कर रहा है, विस्पर कर रहा है, दैट मीन्स कुछ कुछ धीरे धीरे बोल रहा है. लेकिन वो कह रहा है कि मैं इससे समझ नहीं पाया, कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट. डेप्यूटी कमिश्नर खुशवाहा said the injured Nigerian was taken to AIIMS trauma center in a police van but doctors declared him dead on arrival. That man actually died. So we are wrapping it up. If you want to revise the words you can rewatch the video. Thank you so much for your time. Thanks a lot.